नमस्कार दोस्तों, मैं रवि हंस, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। दोस्तों, आज फिर मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक कहानी लेके आया हूँ। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा हमारी इस कहानी को, बहुत ही मजेदार कहानी होने वाली है। चलते हैं अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक महिला गोल्फ एक गेम है, वो गेम खेल रही थी। जैसे ही वो महिला अपने गोल्फ बॉल को हिट करती है, वो बॉल पास के जंगल में जाके गिर जाता है। तो वो महिला जाती है बॉल लाने के लिए, अपने गेंद को लाने के लिए जाती है। तो जाते वक्त उसे रास्ते में ही एक श्रापित मेंढक से उसका सामना होता है। वो मेंढक किसी से श्रापित हो चुका था। वो मेंढक कहता है कि मुझे तुम मुक्ति दिला दोगी तो तुम्हें 3 मनचाहा वरदान में दे दूंगा। वो औरत बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हें मुक्ति कर दिला दूंगा, लेकिन हम तुम्हारे बात पे कैसे भरोसा करेंगे, तुम हमें 3 वरदान दोगे। वो मेंढक कहता है कि भरोसा तो करना ही पड़ेगा, मुझे मुक्ति चाहिए और तुम्हें वरदान चाहिए, वो भी हम तुम्हें 3 मनचाहा वरदान देंगे। वो औरत मेंढक को मुक्त कर देती है। मेंढक कहता है, मांगो तुम अपने 3 वरदान, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम जो भी वरदान मांगोगी उससे 10 गुना ज़्यादा फायदा तुम्हारे पति को होगा। वो औरत बोलती है, ठीक है। औरत ने पहले वरदान में मांगा, हमें दुनिया का सबसे खूबसूरत औरत बना दो। वो मेंढक कहता है कि ये तुम क्या मांग रही हो, तुम्हारे पति 10 गुना ज़्यादा सुंदर हो जाएंगे। तो औरत कहती है, ये तो हमारे लिए और भी अच्छा है, हमारे पति हमें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, हम भी तो सुंदर हो जाएंगे उनके लिए। मेंढक बोलता है, ठीक है, चलो मैंने तुम्हें वरदान दिया, अब बोलता है तुम्हारा दूसरा वरदान मांगो। औरत ने कहा, हमारा दूसरा वरदान, हमें दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति बना दो। तो वो मेंढक कहता है कि ये कौन सा वरदान तुम मांग रही हो, इससे तो तुम्हारे पति भी 10 गुना ज़्यादा धनवान हो जाएंगे। तो वो औरत कहती है कि हम एक दूसरे के लिए ही जीते हैं, हम कमाए उनका, हमारा धन उनका है, उनका धन हमारा है। तो मेंढक बोला, ठीक है, चलो तुम्हारा दूसरा वरदान भी तुम्हें दिया। जब मेंढक ने अंतिम वरदान के लिए औरत से कहा, तो औरत ने अपने लिए छोटा सा हार्ट अटैक मांगा। दोस्तों, आज की कहानी का मोरल ये है कि औरत बहुत चालाक होती है, उससे बच के रहना। दोस्तों, उसके पति को भी 10 गुना छोटा हार्ट अटैक आता है। दोस्तों, इस तरह मतलब पुरुषों के लिए मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, महिलाएं वास्तव में सोचती है कि वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, लेकिन हम तो ये सोचते हैं कि जाने दो, वैसा सोचती है तो उससे क्या फर्क पड़ता है। दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई कहानी एक नई सोच के साथ में। जब तक के लिए बाय बाय।